ट्रेनर्स में आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ऑनर 20 के बारे में यहां पर बताने वाला हूं और साथ में एक छोटा सा सरप्राइज भी है आप सभी लोगों के लिए इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। और ऑनर 20 ये वैसे काफी बढ़िया फोन है और ये ग्लोबली दोस्तों मिलियंस ऑफ डिवाइसेस इसके जो वो सोल्ड हुए, मैं सिर्फ ऑनर 20 की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़ी बात है। और इंडिया में वैसे तो फ्लिपकार्ट पर ही मिल ही रहा है लेकिन अभी दोस्तों अमेजोन पर ये डेब्यू कर रहा है और 26 नवंबर से वहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अमेजोन के ऊपर दोस्तों स्टार्टिंग के जो 4 दिन है 26, 27, 28, 29 इन 4 दिनों में आपको ये सिर्फ 23,000 रुपए में मिलेगा, 23,000 में मिलेगा, जो मेरे हिसाब से वर्थ परचेसिंग है। फिर 30 नवंबर के बाद से ये वहीं पर आपको 25,000 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब तभी भी आपको डिस्काउंट पर ही मिल रहा है क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस 30,000 रुपए से ज्यादा थी। अब ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों मैं आपको क्यों रेकमेंड करूं और ये स्मार्टफोन 23,000 रुपए के अंदर क्यों वर्थ परचेसिंग है वो मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन से, इसके बिल्ड से। तो आपको बता दूं पीछे तो यहां पर आपको ग्लास बैक मिलता है। जी हां, ग्लास बैक है। इसमें आपको अलग-अलग कलर्स मिलते हैं। मेरे पास आप देखेंगे ब्लू कलर है और ग्रेडिएंट फिनिशिंग थोड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ में यहां पर दोस्तों ये जो फोन है 174 ग्राम्स का है, बहुत ही लाइट वेट है और 7.9 mm की थिकनेस पर है, बहुत ही ज्यादा स्लिम है। इमेजिन दोस्तों बहुत सारे फ्लैगशिप फोन मार्केट में लेकिन बहुत कम ऐसे फोन है जो आपको इस तरीके के हल्के और पतले यहां पर देखने को मिलते हैं जो ऑनर का यहां पर 20 है। वैसे दोस्तों बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, वन हैंड यूज के लिए आपको ये फोन बहुत ही सिंपल और इजी लगेगा। तो मेरे हिसाब से डिजाइन और बिल्ड इसकी काफी प्रॉमिसिंग है। इस मामले में दोस्तों ये आपको फोन बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बात करेंगे दोस्तों यहां पर इसके डिस्प्ले की, जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। इसमें आपको 6.26 इंच की फुल एचडी प्लस की एक आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है और ये जो पंच होल है ये बहुत ज्यादा छोटा है। मैंने बहुत सारे पंच होल डिस्प्ले वाले फोन देखा हो लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा छोटा सा लगा है। और साथ में आपको यहां पर ये उसमें भी ऑनर की खुद की जो वो प्रोटेक्शन यहां पर डिस्प्ले जो वो प्रोवाइड की गई है। और साथ में यहां पर दोस्तों डिस्प्ले के जो कलर्स है वो बहुत ही पंची है, काफी ब्राइट है और डिस्प्ले दोस्तों फुल व्यू है, आपको बस एक पंच होल ही मिलता है, बाकी तो पूरा फुल व्यू एक्सपीरियंस आपका यहां पर होता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहां पर काफी कमाल की मिलती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो डिस्प्ले है इस फोन में आपको निराश नहीं करेगा, आपको हर एंगल से इसका डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसके प्रोसेसर की, तो हमें पता ही है दोस्तों आपको इसमें किरिन 980 वाला प्रोसेसर मिलता है, ये फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। 7 nm पर है, इसमें आपको 2 कोर कॉर्टेक्स A76 वाले मिलते हैं जो कि 2.6 पर है, उसके बाद 2 और कॉर्टेक्स A76 के, बाकी के 4 आपको A55 पर मिलते हैं। Mali G76 MP10 वाला आपको GPU मिलता है। आप ये जो प्रोसेसर है दोस्तों आप अभी के कोई भी हाई ग्राफिक्स गेम इस पे थ्रो कर लो, चाहे वो PUBG हो, Call of Duty हो, ये आपको उस मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। साथ में इसको इंप्रूव करने के लिए आपको इसमें GPU Turbo 3 मिलता है, इससे आपकी गेम प्ले को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा, ग्राफिक्स को एनहांस करेगा, फ्रेम रेट्स को इंप्रूव करेगा। तो ये GPU Turbo 3 के साथ में आता है। तो हाँ, गेम प्ले के मामले में दोस्तों आपको इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां पर कोई ज्यादा हीटिंग इशू भी नहीं है। तो हाँ, जो प्रोसेसर है वो आपको यहां पर इसमें काफी टॉप नॉच यहां पर मिलता है। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर कैमरे की, तो पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी है वो 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 सेंसर है, F1.8 का एपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, फुल एचडी में आपको इसमें EIS भी मिलता है, आपको नाइट मोड मिल जाता है। और साथ में दोस्तों उसके अलावा आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिलता है। तो काफी वैरायटी आपको यहां पर कैमरे मिलती है। अगर दोस्तों OnePlus 7 से मैं कंपेयर करूं तो आपको वहां पर डुअल कैमरा मिलता है 48+5 का, लेकिन यहां पर आपको चार कैमरे जो देखने को मिलते हैं। और इसकी जो क्वालिटी निकल कर आई थी दोस्तों वो बहुत ही कमाल की थी, आपको AI पावर्ड ये कैमरा मिलता है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी कमाल का काम कर रहा है, जो कैमरे की क्वालिटी है, जो सोनी वाला सेंसर है वो भी कमाल का काम कर रहा है। तो जो रियर कैमरा दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, आपको बिल्कुल भी दिन हो या रात हो ये आपको निराश नहीं करेगा। अगर मैं सेल्फी की बात करूं दोस्तों तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, वो छोटा सा जो पंच होल है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, F2.0 का एपर्चर है, पोर्ट्रेट ब्यूटी यहां पर है। और साथ में इसमें आपको फुल एचडी वीडियो मिलती है और इसमें भी आपको EIS आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो स्टेबलाइजेशन आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है। वैसे अगर दोस्तों OnePlus 7 में देखा जाए तो आपको यहां पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी थी, यहां पर 32 मेगापिक्सल की आपको उन्होंने सेल्फी प्रोवाइड की है। तो सेल्फी दोस्तों बहुत ही कमाल की है, आपको काफी ब्राइट मिलती है, बोके भी बहुत ही कमाल का है और जब आप क्लिक करके जूम करते हैं तो वो भी आपको काफी बढ़िया डिटेल दे रहा है। तो सेल्फी दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश
नहीं करेगी। अब बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको 3750 एमएच की बैटरी मिलती है और बॉक्स में उन्होंने 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर दिया है। इसका मतलब ये दोस्तों कि आप अपने फोन को 25 मिनट में 50% जो वो चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 25 मिनट में ही 50% आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं बैटरी को वन प्लस 7 से कंपेयर कर लूं तो वहां पर आपको 3700 एमएच की बैटरी मिलती है और वहां पर बॉक्स में 20 वॉट का चार्जर है जबकि यहां पर 22.5 वॉट है। तो चार्जिंग में थोड़ा ये फास्ट है, लेकिन बैटरी बैकअप की बात करूं तो उसमें भी मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगा है अगर मैंने इसको जब वन प्लस 7 से कंपेयर किया था। हां, आपको बैटरी यहां पर अच्छी मिलती है और बैकअप भी आपको यहां पर काफी अच्छा मिलता है। फाइनल दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसमें वैसे आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट मिल जाती है, तो अच्छी बात है, ऊपर ईयरपीस की तरफ है। इसमें आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। वैसे दोस्तों आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, मतलब मुझे लगता नहीं कि जरूरत होगी क्योंकि जो स्टार्ट होता है वो 128 GB से ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर कोई मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, ये बहुत कन्वीनियंट है दोस्तों, स्पेशली जो राइटी है उन लोगों के लिए, और ज्यादातर सभी राइटी होते हैं। तो अगर आप अपना फोन इस तरीके से होल्ड करते हैं तो मैंने सिर्फ सेट के मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ टच करेंगे आप देखेंगे ओपन हो गया, फिर से मैं आपको बताता हूं, टच करेंगे ओपन हो गया। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, अगर आप अंडर डिस्प्ले या रियर फिंगरप्रिंट से कंपेयर करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत कन्वीनियंट होता है जो आपको इसमें मिलता है। लेफ्टी है तो भी कोई बात नहीं, मैंने ये वाली फिंगर सेट किया क्योंकि मैं लेफ्टी हूं, तो आप देखेंगे मैं खाली टच करता हूं खुल जाता है क्योंकि मैं लेफ्टी हूं और मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो सिर्फ जरूरत नहीं आप अपने थंब की रखो, आप पूरे फिंगर की कोई भी रख सकते हैं और अगर लेफ्टी हो राइटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी काफी कमाल की चीज है। वैसे दोस्तों जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई मिलता है और मैजिक यूआई पर चलता है। आपको इसमें बहुत जल्दी एंड्रॉइड 10 मिलेगा, मतलब इस साल की एंड तक आपको शायद देखने को मिल सकता है। मैंने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया हूं कंपनी से बात करके, तो इसमें बहुत ही जल्दी आपको एंड्रॉइड 10 भी मिलेगा। तो अपडेट के मामले में भी आपको यहां पर कोई इशू नहीं होगा, तो उस मामले में मुझे लगता नहीं आपको डरने की जरूरत है। अब मेरा फाइनल कंक्लूजन यही दोस्तों कि 23,000 रुपए की प्राइस पर अगर आपको ये फोन मिलता है तो प्रोसेसर काफी बढ़िया है, कैमरा काफी इसका प्रॉमिसिंग है, डिस्प्ले बहुत ही सही है क्योंकि मुझे डिस्प्ले पर्सनली पसंद आया, डिजाइन भी अच्छी, ग्लास बैक आपको यहां पर प्रोवाइड किया, बैटरी बैकअप भी ठीक है और जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये काफी कन्वीनियंट है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसमें है जो मेरे हिसाब से 23,000 की रेंज में ये वर्थ परचेसिंग है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप इसको जीत भी सकते हैं। इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ही सवाल पूछता हूं, आप कोई भी एक फीचर इसका जो आपको पसंद आता है वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप में से कोई भी एक लकी विनर को ये वाला स्मार्टफोन दे दूंगा, बस आपको और कुछ नहीं करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।